वन महोत्सव सप्ताह के अंतर्गत वन विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में रविवार को विनोद वन के पास स्थित वन विभाग के अतिथि गृह में समाज कल्याण मंत्री एवं जिला प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान वन विभाग के मुख्य वन संरक्षक भीम सेन ने प्रभारी मंत्री एवं ग्रामीण विधायक विपिन सिंह को फूल भेंट कर स्वागत किया। DFO अविनाश कुमार ने जिला अधिकारी के विजेंद्र पांडियन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी को पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले वन कर्मियों के परिवार वालों को शॉल देकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रभारी मंत्री रमापति शास्त्री ने कहा कि पेड़ लगाने के साथ उनका संरक्षण करना भी जरूरी है, एक पेड़ 10 पुत्र के समान होता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए प्रभागीय वन अधिकारी अविनाश कुमार एवं मुख्य वन संरक्षक भीम सेन ने कहा, आनंद देता है, इतना आराम ने गणमान्य अतिथि है, माननीय मंत्री जी रमापति शास्त्री जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, दूर करते हैं। हमारे गोरखपुर मंडल के मुख्य वन संरक्षक क्या है वन बाघ उपवन वाटिका की स्थापना मंचा सिंह सभी अतिथियों का शिष्य भीमसेन साहब से माननीय मंत्री जी श्री DFO साहब से अनुरोध करते हैं कि दीप ज्योति उनका परिचायक है। दीपक जब दीपक जल जाता है तो अंधेरा मिट जाती है, अज्ञानता मिट जाती है और ज्ञान का संचरण होता है। जब ज्ञान का संचरण होता है तो नए नए कल्याण का इस पावन भूमि पर आरोग्य वन की स्थापना बहुत संक्षेप में, समय बहुत कम है कि हमारे जो निदेशक साहब हैं प्राणों की आहुति दे दी। मैं योगी सरकार को भी धन्यवाद देता हूँ कि हमारे भाजपा सरकार भी उन सम्मानित कर रहे हैं, उनके दुख में ठाड़ के स्वस्थ जीवन की प्राप्त हो इसकी कामना करें, शोधन देने का कष्ट करें। ऐसे सरल मृदुभाषी हमारे जिलाधिकारी महोदय के विजेंद्र पांडेन जी इस कार्यक्रम में उपस्थित, शिष्य भीमसेन जी और गोरखपुर में भी कुछ दिन पहले आए हमारे युवा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार पी जी, वन विभाग के सभी अधिकारीगण, मीडिया के मेरे सभी साथी, सामने बैठे हुए सभी नौजवान साथियों, सम्मानित मातृशक्तियां, साथियों जैसा कि आप जानते हैं पर तो बहुत पहले से चला आ रहा है, लेकिन जब से आपके अपने गोरक्ष पीठाधीश्वर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की बागडोर योगी जी महाराज ने संभाली, सबसे हर विभागों में पूरी पारदर्शिता बरती जाती है, पारदर्शिता। साथियों अभी कोरोना काल बीता है, जिस तरह से प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने और जितने भी हमारे अधिकारी कर्मचारी थे पूरे मनोयोग से जनता की सेवा की है, लेकिन हमारे महाराज जी ने, हमारे जिलाधिकारी महोदय ने दिन रात मेहनत करके सरकार का जोर है अपने घर के सामने जरूर एक पौधा आप लोग लगाना। बड़ी मंत्री जी करने जा रहे हैं कर्तव्य ध्वनि से स्वागत की। जब से गांव में से वृक्ष खत्म होने लगा तब तक बीमारियों का पाव फैलने लगा। गांव में नीम का पेड़ होता था, उसके नीचे बैठ करके लोग छाया में खाना सुपहरिया काटते थे, बरगद का पेड़ होता था, पीपल का पेड़ होता था, आम का पेड़ होता था,
अनेक प्रकार के पेड़ होते थे, गांव के पकड़ कर बाग होते थे, सारे लोग उससे उसका फायदा उठाते थे, उससे स्वास्थ्य लाभ करते थे। आज वो धीरे धीरे कम हो रहा है। जब आपका पेड़ कम हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा है, और जब पेड़ आगे बढ़ता है तो ऑक्सीजन बढ़ता है, ऑक्सीजन कम होने लगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगा, और इसलिए बीमारियां फैलने लगी। पहले कम बीमारी होती थी, ऑक्सीजन का कोई चिंता नहीं होती थी, आज चिंता हो रही है। तो हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी की सरकार ने, आदरणीय योगी जी की सरकार ने, और हमारे सारे लोगों ने इतना ही किया है कि प्रत्येक व्यक्तियों के घर में एक या दो वृक्ष अपने दरवाजे पर लगना चाहिए। और हमको पता है कि आज यहाँ के जितने लोग आए हैं सबको वृक्ष लगाने के लिए तो पौधे दिए जाएंगे, दे जाएंगे ना, और सब ले जाएंगे अपने अपने दरवाजे लगाए। बताओ कितने लोग अपने दरवाजे लगाएंगे पौधा, सब लगाएंगे ना। हमारी सरकार ने तय किया है कि हम कितने करोड़ रुपये का, 30 करोड़ से ज़्यादा हम वृक्ष लगाएंगे। तो हमको लगता है 30 करोड़ से ज़्यादा अगर वृक्ष लगा ले गए, क्योंकि आज के तारीख में 25 करोड़ से ज़्यादा हो रहा है। आज जो पूरे प्रदेश भर में योजना बनी है, जो हो रहा है, उसमें 25 करोड़ से ज़्यादा आज हो रहा है। हमको लगता है दो दिन में ही 30 करोड़ से ज़्यादा ये वृक्ष हमारे पूरे प्रदेश भर में लगेंगे। और इसलिए मैं जो वृक्ष एक भी लगाने वाले हैं, मैं अपनी ओर से उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और उनका सम्मान करता हूँ, क्योंकि एक पेड़ भी बेटे की तरह होता है, औलाद की तरह होता है, जिसके दरवाजे पर पेड़ अच्छा बनता चला जाता है। जैसे कोई पुत्र अपने पिता का स्वास्थ्य की चिंता करता रहता है, ये पेड़ आपकी स्वास्थ्य की चिंता करती रहती है। और हम तो जानते हैं कि 30 करोड़ से ज़्यादा पौधा लग जाएगा और 50 लाख से ज़्यादा तो घोड़ा लग रहा है। गोरखपुर में 50 लाख लग रहे हैं, और ये 50 लाख गोरखपुर को और हरा भरा बनाएंगे। आने वाले दिन में हम सब आगे बढ़ेंगे, दौड़ता करेंगे। मैं तो एक स्लोगन देता हूँ, वृक्ष लगाओ कोरोना भगाओ। तमाम ऐसे पौधे हैं जो लगातार लगातार ऑक्सीजन ही देते रहते हैं। हमको लगता है कि ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अपने घर के बगल में नीम लगाना चाहिए, अपने घर के पिछवाड़े पीपल लगाना चाहिए, अपने घर के पास बरगद लगाना चाहिए। आपको छाया भी देते हैं, दौड़ता भी। हम जब छोटे थे तो गाँव में चेचक फैलता था, तो नीम के पेड़ के लोग नीचे बैठते थे और नीम के पत्तियों से उसको हवा देते रहते थे, उससे भी ठीक हो जाता था। इसलिए आज की तारीख में जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। गोरखपुर के प्रशासनिक अधिकारी को, इन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। वन विभाग के लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ। लेकिन एक आग्रह करता हूँ आपसे कि जितने वृक्ष लगाए जाएँ, ये वृक्ष सूखने न पाए, इसकी चिंता हमको हर प्रकार से करनी चाहिए। इसके लिए देखभाल भी करनी चाहिए, इसके लिए टीम बनानी चाहिए, और उस टीम के माध्यम से इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमको आगे लगा के आइए, हम इस काम को पूरा करें कि वृक्ष लगाओ, कोरोना भगाओ, बीमारी भगाओ, और हम सब स्वस्थ होकर के निकलें और इस धरती को भी आगे बढ़ा कर निकलें। हमने तो कहा था कि थोड़े थोड़े करके इस धरती को हम कितना बढ़िया बनाना चाहते हैं, खेती करने के लिए, सारी व्यवस्था करने के लिए। अभी हम पीएम साहब के साथ आ रहे थे, चिंता कर रहे थे कि लोग प्लाट बनाते चले जाते हैं, व्यवस्था बनाते चलाते हैं, खेती कम होती चली जाती है। जब खेती कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे। इसलिए हम लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, योगी जी की सरकार ने किया है और मोदी जी की सरकार ने किया है कि हम हर हाथ को देंगे काम और हर खेत को देंगे पानी और दुल्हन बन के फिर से सजेगी अपनी धरती रानी। इस धरती रानी को सजाने के लिए हम सबको संकल्प लेना पड़ेगा, अपने दरवाजे पर फूल लगाना पड़ेगा, अपने पेड़ लगाना पड़ेगा, आप सिंगल वाला पेड़ लगा करके हम लोग के संकल्प
संकल्प करें, अपने पुत्र जैसे एक पेड़ लगा करके अपने दरवाजे को उसका पालन करें, आने वाले दिन में वो पेड़ हमारी सुरक्षा करेगा, हमारा देखभाल करेगा, हमारी व्यवस्था करेगा और हम फिर कार्बन डाइऑक्साइड से छुट्टी पा जाएंगे, अपने घर बैठे ऑक्सीजन प्राप्त करते रहेंगे। जिस ऑक्सीजन को लेने के लिए तमाम पहलियाँ लगानी पड़ती है वो अपने घर में मिल जाएगा। आइए, आप लोगों ने सबकी पहलिया में समय दिया है, इसलिए मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ वन विभाग वालों का। यहाँ के जिला प्रशासन को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रधान जी को भी आग्रह करता हूँ कि आप पूरा मेहनत लगा करिए, सारे लोगों के साथ काम करेंगे। आइए हम सब मिल करके आगे बढ़े। इवेंट बताना चाहूँगा सर कि डीएम सर इतने कोऑपरेटिव है, जो भी हम लोग हेल्प पॉसिबल हो सकता है सर विद इन अ कॉल वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं सर, और ये जो भी प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं उनमें डीएम सर का काफी हेल्प और सपोर्ट मिला, डायरेक्शन दे रहा है। साथ ही साथ लखनऊ स्तर पे इस बार जियो टैगिंग को स्पेशल ध्यान दिया जा रहा है और क्विक कैप्चर नाम का एक ऐप है जो सभी विभागों को, ग्राम विकास विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सभी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, जिसमें जितने वृक्षारोपण होगी सर उसका जियो टैगिंग किया जाएगा और लखनऊ स्तर पे भी इसकी मॉनिटरिंग होगी और जनपद स्तर पे भी डीएम स्तर के स्तर पे एक कमेटी बना करके उसकी मॉनिटरिंग होगी सर। देखिए, आज 4 जुलाई को 25 करोड़ पौधे पूरे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं, इस क्रम में 36 लाख पौध गोरखपुर जनपद में लगाई जा रही है। माननीय नोडल मंत्री जी वो आज हमारे मुख्य अतिथि थे और हम लोगों ने यहाँ पर एक आरोग्य वन स्थापित किया है, जिसमें हम लोग को अभी इस कोरोना काल में हमने देखा किस तरह गिलोय, आंवला, नीम इत्यादि के लिए लोग काफ़ी इधर उधर हाथ पैर मारते रहे बट उन्हें पौधे मिल नहीं रहे थे, उसे देखते हुए ये पौधे हम लोगों ने यहाँ पर लगाए हैं। उनकी क्या क्या अच्छाइयाँ हैं वो भी हम लोग मेंशन कर रहे हैं और जिसको भी वो पौधे चाहिए वो यहाँ से आ करके देख सकते हैं और हमारी नर्सरी से पौधे ले जा सकते हैं। इसके साथ ही जो कोरोना काल में जो हमारे कर्मचारीगणों की मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को बुला करके एक सम्मानपूर्वक उनके का जो घटना घटी उसके लिए एक एम्पैथी, एक कंपैशन दिखाने की कोशिश की गई है और एक स्मृति स्मारक भी बनाया गया है जो वन कर्मी कोरोना से जिनकी निधन हुई है उनके लिए। इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार ने 30 करोड़ से ज़्यादा पौधारोपण का जुलाई के महीने में है ना वृक्षारोपण जन आंदोलन का रूप में इसका कार्यक्रम चलाने का निर्णय लिया है, जो कि आज 4 जुलाई के लिए 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे वृक्षारोपण जन आंदोलन के तहत रोपित किए जा रहे हैं पूरे प्रदेश में जगह जगह, कई जगह सारे प्रभारी मंत्री ने इसमें किया, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सुल्तानपुर में उन्होंने अगुवाई की है इसकी करके, तो ये हम लोग कर रहे हैं और जिसमें गोरखपुर जनपद में 46 लाख पौधे हैं और गोरखपुर मंडल में 1,39,00,000 पौधे लगाए जाएंगे और हर पौधे की सुरक्षा व्यवस्था किया जाएगी। इस बार एक और खास माननीय मुख्यमंत्री जी के ने निर्देश दिए गए हैं कि हर जिले के करीब करीब हर ग्राम पंचायत में, न्याय पंचायत में एक स्मृति की वाटिका लगाई जाए, जो हमारे इस कोरोना काल में लोग शहीद हुए हैं उनके लिए स्मृति की वाटिका लगाई जाए, स्मृति वाटिका में उनकी याद में पौधे रोपित की जाए, गांव वाले रोपित करें, हम लोग रोपित करें, क्षेत्र के जनता अपने परिजनों के उसमें रोपित करें और ख़ास तौर से क्योंकि इस कोरोना काल में हमारी जड़ी बूटियों ने हमारा बहुत साथ दिया, इसलिए जड़ी बूटी पर विशेष जोर दिया गया है, जिसके लिए जगह जगह आरोग्य वन की भी स्थापना माननीय मुख्यमंत्री जी ने करने के लिए निर्देश दिए हैं। बाकी हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं जो पौधे लगाए जाएं, देश को, प्रदेश को, हम लोग जिले को हरा भरा करें और जो लगाए जाए उनकी पूरी सुरक्षा निश्चित की जाए।